जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। आज अगर हमारे आंसू बह गए तो हम राव साहब के मौत का बदला कैसे लेंगे कल्याणी? तुम्हें हम में या इस खूनी आदमी में से एक को चुनना होगा। सिंदूर का बदला हम मल्हार के खून से लेंगे। कहाँ है मल्हार? सारे फोटो फ्रेम्स गए कहाँ? मेरे पास हैं। इस गांव के हर दुकान का आखिरी फ्रेम तक मैं खरीद चुका हूँ। इस गांव में आपको फूलों की माला भी नहीं मिलेगी क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरी आई की फोटो लगेगी, ना कि उनके खूनी की। मल्हार राणे, अब तक तो तुमने हमारा सिर्फ गुस्सा देखा, अब हमारे ही हाथों लगेगा तुम्हारे अस्तित्व पर पूर्ण विराम। पूछो इसे, क्या ये प्यार करता तुमसे? अगर नहीं तो तुम इसके साथ नहीं रहोगे, मेरे साथ चलोगे। मांगो जवाब इससे। मल्हार जी, झूठ बोल के ही सही, पर प्लीज मुझे रोक लो मल्हार जी, प्लीज। चली जाओ अपने बाबा के साथ। जब तक हम राव साहब की मौत का बदला नहीं लेते, तब तक हमारी मांग उनकी चिता की राख से भरी रहेगी। हाँ साहब, तो फिर जिंदगी भर अपनी मांग राख से भरी रखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मल्हार जी से आपका बदला तो पूरा होने से रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन पे लगा हर एक झूठा इल्जाम मैं मिटाऊंगी। मेरी मल्हार जी के कांस्टेबल से बात हो चुकी है, किसी भी तरह आज रात मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने कल्याणी के दूध में नीम की गोलियां मिला दी है। जब तक कल्याणी को होश आएगा तब तक हम मल्हार पर दूसरा वार कर चुके होंगे। बाप को बेटे का पैगाम। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे के साथ? ये ले, थोड़ा सा कफ सिरप पी ले तो तुम चैन की नींद सो पाओगे, है ना? और मुझे भी सोने दोगे? एक बिल्लू उठ जाओ, नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। हाथ आ रहे हैं मेरे, आगे बढ़ रहे हैं। गुदगुदी गुदगुदी गुदगुदी। उठ बिल्लू, उठ बिल्लू। पता है क्या हुआ? आजा। इस भगवान की तस्वीर को मैं साफ कर रही थी तो अचानक से आवाज आई और ये तस्वीर हिलने लगी और गिर गई नीचे। देखा तो क्या, उसके पीछे ये इतनी बड़ी तिजोरी और उसमें इतने सारे पैसे। देखो तो कितने सारे पैसे है ना। मैं ना अभी आओ साहब को देकर आती। ये पैसे आप मेरे पास दीजिए, मैं आओ साहब को सब कुछ बता दूंगी, इस तिजोरी के बारे में सब कुछ बता दूंगी। हाँ ठीक है। या भैया, इतने सारे पैसे। मैं जानती थी कि आपा यूं ही हमारे लिए बिना कुछ रखे थोड़ी ना चले जाएंगे। पता नहीं इस तिजोरी में और कितने पैसे होंगे। क्या कोई नक्शा लग रहा है? ओहो, ये तो हमारे वाड़े का नक्शा है। हाँ, इसका मतलब है इस वाड़े में कुछ छुपाया गया खजाना। चाबी मिलने की देर, फिर वो सारा खजाना मेरा। मजा। कल्याणी, हमारे बिछाए हुए जाल में पल्लवी फंस गई। हाँ बोलो। आहो, काय करता है तुम्ही? हे बघा, कल्याणी तुम्हें पल्लवी पर शक है? पूरे भरोसे के साथ तो नहीं कह सकती आई, लेकिन चाची को फंसाना ना आसान था।
मैंने तो बस हवा में तीर छोड़ा है, बट आई रियली होप कि इनके जरिए हमें वो सुसाइड नोट के बारे में कुछ पता चल जाए। बगीचा का? ओहो, घर में खजाना है खजाना। हाँ, और है ना, अप्पा ने खुद अपने हाथों से ये नक्शा बनाया है। हाँ। ये क्या पागलपन है पल्लवी? हाँ? मैं बचपन से इसी घर में पला बढ़ा, अगर घर में ऐसा कोई खजाना होता तो मुझे ना पता होता। तुम ना अपने इस पागलपन को छोड़ो। मुझे पता था, नहीं मुझे पता था कि आप मेरी बात नहीं मानने वाले, मला वाटलेस होता। आहो, जरा सोचो, घर में एक खुफिया तिजोरी मिली है, उसमें ये नक्शा मिला है, तो घर में खजाना भी तो कहीं छुपा के रखा होगा ना, हो कि नहीं? आहो, मुझे तो लगता है ना कि अप्पा ने जरूर नल और गोदावरी के लिए ये सब जमा करके रखा होगा। हाँ पल्लवी, ये खजाने ये नक्शे ना सिर्फ किताबों और कहानियों में होते, असली जिंदगी में नहीं। और अगर तुमने इस नक्शे को नहीं फेंका ना, तो मजबूरन मुझे आओ साहब को ये सब बताना पड़ेगा। आपसे ना बात करना ही बेकार है। उपयोग नहीं तुम जैसे बोलो। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है काका। मेरे अंदर जो बदले की आग जल रही है ना संपू, वो मेरे आदमी बुझाएंगे। आज मल्हार के कोर्ट में पेशी है और साथ ही साथ उन दो बदमाशों की। और वो दो बदमाश मल्हार रानी के साथ क्या करते हैं ये तो भगवान ही जानता है संपू। मल्हार जी, बरसों बाद आई थी इन प्यार करने वालों की मिलन की बेला, पर जाने क्यों तकदीर को कुछ और ही है मंजूर। क्या अपनी किस्मत से लड़कर मिल पाएंगे शान और अस्मिता? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां के मुंबई हनीमून स्पेशल का रोमांच भरा सप्ताह, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। वेदिका, तेरी छोटी बहन अवंतिका के लिए कोई रिश्ता मिला है, उन लोगों के आने से पहले तुम मासी के घर चली जाना। पता नहीं कौन से जन्म का बोझ लेकर तू पैदा हुई है। पिछले जन्म पर तो मेरा कोई बस नहीं है नमा। पुराने जन्म की अधूरी प्रेम कहानी क्या होगी इस जन्म में पूरी? वेदिका और साहिल के प्यार की नई दास्तान की क्या होने वाली है शुरुआत? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। सबसे पहले हुई लड़का लड़की की पहली मुलाकात, ये फिर दोनों में बातचीत और थोड़ी सी जान पहचान, और फिर हो गई दोनों की शादी, और शादी के बाद दोनों के परिवार वाले आ गए। हमारे केस में तो सब उल्टा पुल्टा हुआ है ना। अब है ना, आप इस ड्राइंग को देखकर बताइए ना कि हमारी समस्या का क्या समाधान है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत जान पहचान यानी कि दोस्ती से होती है। चलिए फिर, मिलाइए हाथ, अब से हम दोस्त। कबीर और जारा को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। क्या बेटा, वो पहले से नहीं मिलना चाहता था। ये वही जारा है ना जिसने तुम्हें खुला की अर्जी भिजवाई थी? तो वो तुमसे मिलने की आरजू क्यों रखेगी कबीर? मैं बस तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। पर आपने मेरे लिए इतना स्ट्रेस क्यों लिया? I mean, आप सब जानती थी कि वो एक्सीडेंट मैंने किया है, और धोखे से नहीं हुआ था, मैंने जानबूझ के किया था। तभी क्योंकि मैं माँ हूँ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्राची की माँ की तरह रिया की माँ होती तो आज वो ऐसी नहीं होती। पूरा नाम बताइए। शालिन खराना। शालिन। बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि आपका मुकाबला किसी साधारण इंसान से नहीं, उनकी चुड़ैल से है। वधू की अंगूठियां लाई है। मेरी अंगूठी तो दी के पास है, पर दी है कहां?
खेसड़ी लाल, बुला के ला अपनी घरवाली को। दिख नहीं रहा कैसे मजाक बन रहा है परिवार का? उसकी इन बचकानी हरकतों से ना सगाई नहीं टूटेगी।